दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माय एक्सपीरियंस विद पोको F1 इसे एक मंथ से यूज करने के बाद। तो बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और अगर आप रिसेंटली इस फोन को खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे एंड वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन की डिजाइन एंड डिस्प्ले के साथ। तो इस फोन में जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग नहीं है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर मिल रहा है प्लास्टिक बॉडी, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है 6.18 इंचेस, और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18.7:9। आपको इस फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाएगा, और इस फोन में आपको मिलता है IPS LCD डिस्प्ले। तो डिस्प्ले काफी अच्छी है, कलर्स आपको वाइब्रेंट मिलेगा, और सामने की तरफ आपको एक नॉच मिलता है। तो ये नॉच जो है ये टोटली आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक बहुत वाइड नॉच पसंद है, जैसे कि हमें मिलता है iPhone 10 में, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी नॉच है। तो अगर आपको पर्सनली बड़ी नॉच पसंद है तो इस फोन की डिस्प्ले में जो नॉच है वो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड पर्सनली अगर आप नॉच डिजाइन लाइक नहीं करते हो तो यहाँ पर पोको फोन F1 में वो आप हाइड भी कर सकते हो। तो सेटिंग्स में आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाना है, और वहाँ पर बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है हाइड स्क्रीन नॉच। तो उसे अगर आप टॉगल ऑन कर देते हो तो नॉच हाइड हो जाएगा। तो मैं इस फोन को यूज कर रही हूँ विदाउट एनी टेम्पर ग्लास फॉर अ मंथ, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फोन की जो स्क्रीन है इसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस आपको नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोन में आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी, लेकिन फोन काफी स्टर्डी है, बिल्कुल फ्रेजाइल नहीं लगेगा आपको ये फोन अगर आप इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करें तो। फोन की थिकनेस या फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फोन थोड़ी सी थिक है जरूर, और वेट भी थोड़ी सी ज्यादा है। आपको इन हैंड एक्सपीरियंस जो है उसमें ये फोन थोड़ी सी हैवी फील होगा, लेकिन ओवरऑल ग्रिप एंड ऑल काफी अच्छी है इस फोन में। डिस्प्ले में और एक चीज जो है वो है नीचे की तरफ एक वाइट चिन। आपको इस फोन में बहुत ही एक वाइट चिन मिलेगा, जो एक डाउन पॉइंट जरूर है फोन की डिस्प्ले में। अगर डिस्प्ले की बात कर रहे हो तो इस फोन की सबसे बड़ी इशू जो है वो हमें जरूर रेफर करना है यहाँ पर, जो है स्क्रीन ब्लीडिंग। तो इस फोन में डेफिनेटली है स्क्रीन ब्लीडिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो फोन की बॉटम में आपको स्क्रीन ब्लीडिंग दिख जाएगा। तो डेफिनेटली मैंने भी फेस की है स्क्रीन ब्लीडिंग इशूज विद पोको फोन F1, लेकिन बहुत सारे यूजर्स है जो कह रहे हैं कि उनकी जो डिवाइस है उसमें स्क्रीन ब्लीडिंग इशूज बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी डिवाइसेस में है इशू, और बहुत सारी डिवाइसेस में शायद से ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने रिसेंटली परचेस किया है पोको फोन F1 एंड आपके फोन में भी ये इशू है स्क्रीन ब्लीडिंग की, तो अगर आपके फोन अभी तक जो 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है फ्लिपकार्ट की उसमें है, डेफिनेटली आप फोन को रिप्लेस करके नया फोन ले लीजिए। और शायद ऐसा हो सकता है कि नया जो फोन आपको मिलेगा उसमें स्क्रीन ब्लीडिंग इशूज नहीं होगा। तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपकी फोन अभी तक है 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर। डिस्प्ले में और एक चीज जो है वो है आउटडोर विजिबिलिटी। तो डेफिनेटली पोको फोन F1 की जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कितनी अच्छी है। यहाँ पर बहुत लाइट है अभी, लेकिन स्टिल इसकी जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। आपको स्क्रीन में कुछ भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस फोन के साथ आपको मिलता है एक TPU सिलिकन केस, और ये केस मोर देन एनफ है। अगर आप कोई दूसरा केस नहीं खरीदना चाहते हो तो सिलिकन केस से ही आपका काम चल जाएगा। केस खरीदना यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी लुक जो है इसे चेंज करना चाहते हो, वैसे भी इसके पीछे की जो डिजाइन है वो बहुत आई कैचिंग नहीं है, तो अगर आप इसकी डिजाइन को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्किन्स या फिर केस को यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है अपडेट्स। तो Xiaomi ने रिसेंटली काफी सारी अपडेट्स रोल आउट की है पोको फोन F1 के लिए, और जो सबसे रिसेंट अपडेट था वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। काफी सारी फीचर्स इंप्रूव हुई है सिस्टम में, फोन में, कैमरा में। तो इससे पहले भी एक अपडेट था जिससे कैमरा जो है इस फोन में काफी इंप्रूव हुआ है। अपडेट से पहले भी मैंने एक वीडियो की थी कंपेयरिंग पोको फोन F1 शायद विद ZenFone मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां पर जो परफॉर्मेंस था इसकी कैमरा की लो लाइट कंडीशन काफी खराब था, लेकिन आफ्टर द अपडेट इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल पिक्चर्स है, और आप देख ही सकते हो कितनी स्टनिंग पिक्चर्स आप क्लिक कर पाओगे विद पोको फोन F1। एक एडिशनल चीज जो है, अगर आप GCam यूज करते हो पोको फोन F1 में, जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा वो सिंपली स्टनिंग है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल पिक्चर्स है, एक है नॉर्मल पोको F1 की जो स्टॉक कैमरा है उससे मैंने क्लिक की है, और वो सेम ही पिक्चर मैंने क्लिक की है विद GCam। तो आप डिफरेंस यहाँ पर देख ही सकते हो, और ऐसी स्टनिंग पिक्चर्स आप भी ले पाओगे अगर आप पोको F1 में GCam यूज करते हो। तो इस फोन की जो वीडियो क्वालिटी है या फिर स्लो मोशन एंड स्टेबलाइजेशन इन वीडियो वो काफी अच्छी है। तो बहुत सारी फोन्स की कैमरा के साथ मैंने इसकी कैमरा जो है इसे टेस्ट की है। सारी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कुछ वीडियोस की लिंक आप यहाँ पर ऊपर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहां से जाके आप इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो जरूर चेक कीजिए। एंड इन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटो फोकस भी काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि विद इन फ्यू सेकंड्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट कैमरा के सेंसर के सामने आता है इंस्टेंटली वो फोकस हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्टेबलाइज फुटेजेस आप ले सकते हो विद
पोकोफोन F1। इस फोन में आता है AI कैमरा और AI कैमरा को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर फोटो लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा कि किस चीज की फोटो आप ले रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग सारी कलर सैचुरेशन ब्राइटनेस सेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ इस फोन में जो पोर्ट्रेट मोड आता है वो काफी अच्छी है। अब आते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस पे, तो जैसे कि आपको पता है इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 और ये है एक फ्लैगशिप चिपसेट, तो इस फोन में आपको कोई भी लैग नहीं फेस होगा। एक मंथ से मैं इस फोन को यूज कर रही हूँ और मैंने अभी तक कोई भी लैग नहीं फेस किया है। तो फोन बहुत ही स्नैपी एंड फास्ट है और अभी तक इसमें MIUI 9 है, तो एक बार अगर MIUI 10 आ जाए जो काफी लाइट वेट है कम्पेयर टू MIUI 9 तो तब तो ये फोन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अगर आप बात कर लो मल्टीटास्किंग की भी, आपको वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है स्टार्टिंग फ्रॉम ऐप स्विचिंग। उसके बाद अगर आप बात कर लो गेमिंग की भी, तो वहाँ पर भी गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है पोकोफोन F1 की। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे जो है बेस्ड ऑन गेमिंग ऑफ पोकोफोन F1, तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी वो आप ऊपर कार्ड में भी देख सकते हो। पबजी जैसे गेम्स बहुत ही इजिली यहाँ पर रन हो जाएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई लैग कोई स्टटरिंग फेस नहीं होगा। अब गेमिंग के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हीटिंग, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग भी कर रहे हो इस फोन में नेचुरल नॉर्मल जो हीटिंग होता है हर एक फोन में वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग जो है वो आपको नहीं फेस होगा पोकोफोन F1 में। तो हमने जो गेमिंग टेस्ट की थी इस फोन में वहाँ पर हमने इसकी टेम्परेचर को भी टेस्ट किया है आफ्टर हैवी गेमिंग, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि कितना इंक्रीज होता है इसकी टेम्परेचर। और इस फोन में आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड कूलिंग होने से फोन बिल्कुल ही गर्म नहीं होगा, ये गर्म होगा लेकिन टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है। इस वन मंथ में मैंने कभी भी ओवर हीटिंग इश्यूज फेस नहीं किया है इस फोन में। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस सेक्टर में भी फोन काफी अच्छी है, मैंने अभी तक इस वन मंथ में कभी भी कॉल ड्रॉप्स इश्यूज फेस नहीं किया है। और उसके साथ साथ इस फोन में और एक फीचर आपको मिलता है जो है डुअल 4G। तो आप अगर 2 जियो सिम्स यूज करते हो तो एक साथ आपको वो यूज करने को मिल जाएगा इस फोन पे, तो दोनों ही सिम स्लॉट्स में आपको 4G नेटवर्क एक साथ मिल जाएगा। और एक फीचर आपको मिल जाएगा इस फोन में जो है वाईफाई हॉटस्पॉट, तो अगर आप वाईफाई से ज्वाइंट हो अपने घर पे और आप चाहते हो वाईफाई को शेयर करना लेकिन आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हो आपके किसी फ्रेंड को, तो वहां पर आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने फोन से वाईफाई को ज्वाइन करना है और उसके बाद अपने फोन में जो हॉटस्पॉट ऑप्शन है उसे टॉगल ऑन करना है और वहां से आप अपनी वाईफाई को शेयर कर सकते हो किसी दूसरे फोन में। तो ये फीचर काफी अच्छी है और मैंने एक वीडियो भी किया है ऑन पोको F1 ट्रिक्स एंड टिप्स, तो वो आप चेक कर सकते हो, उसकी लिंक यहाँ पर कार्ड में आपको दिख जाएगा फिर से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक है। अब आते हैं इस फोन की बैटरी पे, तो इस फोन में आपको मिलता है 4000mAh की बैटरी, तो 4000mAh बैटरी काफी मैसिव होता है और इसे चार्ज करने के लिए इस फोन में आपको मिलता है क्विक चार्जिंग। इस फोन की बैटरी बैकअप भी काफी डिसेंट है, तो अगर आप एक बहुत ही हेवी यूजर हो तो 1 डे ऑफ फुल यूजेज आपको ये फोन दे देगा। एंड अगर आप बहुत ज्यादा एक हेवी यूजर नहीं हो एंड आप मॉडरेटली फोन को यूज करते हो तो 1.5 डे या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 डेज की भी आपको यूजेज टाइम मिल जाए। इस फोन की चार्जिंग टाइम 1 hour 58 minutes टू बी प्रिसाइज 2 hours है अगर आप इस फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज देते हो। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है फेस अनलॉक, तो अपडेट से पहले भी फेस अनलॉक काफी फास्ट था और अब अपडेट के बाद और भी फास्ट हो गया है फेस अनलॉक। तो आपको इस फोन में मिलता है इन्फ्रारेड फेस रिकॉग्निशन और ये आप टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आप एकदम डार्क रूम में भी बैठे हो तब भी बहुत फास्ट होगा फेस अनलॉक इस फोन में। तो यहाँ पर एक ऐप है जो है MIUI हिडन सेटिंग्स, और इस ऐप से अगर आप चाहते हो तो टेस्ट कर सकते हो इसकी जो IR फेस रिकॉग्निशन है उसे। यहाँ पर रूम कम्प्लीटली डार्क है एंड आप देख सकते हो इतनी डार्क रूम में भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके साथ साथ बहुत ही फास्ट है फेस अनलॉक। एंड नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर, और फिंगरप्रिंट सेंसर से अगर आप फोन को अनलॉक करना चाहते हो तो विदिन सेकंड्स ही अनलॉक हो जाता है। अब कुछ रिमेनिंग फीचर्स पे आते हैं, जैसे कि इस फोन में आपको मिलता है पोको लॉन्चर, और पोको लॉन्चर में आप काफी सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो जैसे कि आइकन पैक्स। आप किसी भी डिफरेंट आइकन पैक प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो आप पोको लॉन्चर में ही अप्लाई कर सकते हो, और कस्टमाइजेशंस में और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप वो सारी चीजें आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली जो पोको F1 की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैंने की है उसे जरूर चेक करें। अब आते हैं इस फोन की साउंड क्वालिटी पे, तो इस फोन में आपको मिलता है स्टीरियो स्पीकर, नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर मिलता है और ऊपर ईयरपीस में है सेकेंडरी स्पीकर, और इसके साथ साथ इस फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलता है। तो साउंड आउटपुट जो है वो काफी डिसेंट है, जो सेकेंडरी स्पीकर है उसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, आपको एक डिसेंट ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा पोको फोन F1 में। तो इतनी सारी प्रोस के साथ साथ 2 कॉन्स जैसे कि आपको पता है इस फोन में है, पहला था जो स्क्रीन रीडिंग इशू मैंने आपको बताई वो, और इसके साथ साथ दूसरा जो कॉन है इस फोन में वो है Amazon Prime या फिर Netflix अगर आप देखते हो तो उसमें आपको HD स्ट्रीमिंग इस फोन में नहीं मिलेगा, और ये होता है क्योंकि इसकी जो DRM लाइसेंस है वो L3 है और इसलिए Amazon Prime या फिर Netflix में आप HD में वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो इन सारी पेड वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स में आपको अपनी फोन में DRM लाइसेंस जो है वो L1 चाहिए और तभी आप HD वीडियो स्ट्रीम कर पाओगे इन सारी वेबसाइट्स में, क्योंकि इस फोन में L3 है इसलिए ये प्रॉब्लम है। और ये आप चेक भी कर सकते हो, एक एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे इंस्टॉल करके आप इस फोन की जो DRM लाइसेंस है वो चेक कर सकते हो।
तो गाइस ये था माय ओपिनियन ऑफ यूजिंग पोको F1 इसे एक मंथ से यूज करने के बाद। और जैसे कि आपने देखा बहुत सारी प्रोज है इस फोन में और उसके साथ साथ कमियां भी है। तो हर एक फोन में कमियां होती है, लेकिन जो सारी प्रोज आपको मिल जाएगा उससे आपको वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। एंड गाइस अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है पोको F1 एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। और अगर आपने भी कोई प्रॉब्लम फेस की हो या फिर कोई ऐसी पॉइंट है जो कि काफी अच्छी है इस फोन के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।